स्टेबिलिटी ऑफ फैट और कुकिंग में स्टेबिलिटी कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बताऊंगा। और फैट चाहे अनसेचुरेटेड हो या सेचुरेटेड हो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुनते ही हम लोग को थोड़ा सा डर लग जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल वर्ड अच्छा नहीं होता ये हम लोग ने देखा है। मगर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फैट कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी कोलेस्ट्रॉल फैक्टर से। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फैट के बारे में। तो स्टेबिलिटी ऑफ फैट का मतलब ये हुआ कभी भी आप फैट को एयर या ऑक्सीजन में आप एक्सपोज करते हो तो वो कितना जल्दी एयर से रिएक्ट कर जाता, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता। तो जितना वो लेट से रिएक्ट करेगा वो ज़्यादा उतना स्टेबल है, और जितना जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा वो जितना अनस्टेबल है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आप कभी भी फिश मार्केट में आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पे बहुत सा अनप्लेजेंट सा स्मेल आता है, बहुत ख़राब सा स्मेल आता है, मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। तो अब वो अनप्लेजेंट सा स्मेल इसलिए आता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, फिश ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। फिश ऑयल जो हम लोग बोलते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, एक बहुत अनप्लेजेंट सा स्मेल आता है जिसे हम लोग रैंसिड भी बोलते हैं। तो ये जो केमिकल चेंजेस है, तो ये केमिकल चेंजेस हम लोगों के बॉडी के अंदर भी होता है, और ये केमिकल चेंजेस के कारण हम लोग के बॉडी में फ्री रेडिकल क्रिएट होता है। एक प्रॉब्लम है फ्री रेडिकल के साथ कि आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो गारंटी देती है कि ये सप्लीमेंट आप लोगे तो आपका ये फ्री रेडिकल से फाइट करेगा, आप ये सप्लीमेंट लोगे तो आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल है जो टॉक्सिक है उसे ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब आप बॉडी में फ्री रेडिकल क्रिएट करो और फिर ऐसा सप्लीमेंट लो जिससे आपका फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय हो, क्या ये चीज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं। देखा जाए तो हम लोग ये टॉक्सिक अपने बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, और ये कैसे क्रिएट करते, अनहेल्दी फूड कंज्यूम करके और सबसे बड़ा अनहेल्दी कुकिंग करके। हम लोग जो खाना जिस ऑयल में बनाते हैं वो सही है या गलत ये चीज़ हम लोग को नहीं मालूम है, तो ये चीज़ हम लोग बहुत बड़ा गलती करते। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। पॉली अनसैचुरेटेड फैट का मतलब ये हुआ कि उसके पास बहुत सारा एरिया है जिससे ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा। अब मैंने आपको वीडियो में समझाया है कि जितना जल्दी ऑक्सीजन कोई भी फैट के साथ रिएक्ट करता है उतना ही वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट अनस्टेबल है। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, मतलब उसके पास बहुत सारे एरिया है जिससे ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ऑयल है। फ्लैक्स ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ये सब पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑयल ख़राब है, ये हेल्दी ऑयल है, मगर ये जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा उतना ये अनहेल्दी हो जाएगा। तो इस ऑयल में आप कुक ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब कुक करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बॉडी में टॉक्सिक क्रिएट होगा, फ्री रेडिकल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। ऑलिव ऑयल मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, और आपको मालूम है कि ऑलिव ऑयल कितना अच्छा होता है हम लोग के बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑयल होता है, मगर ऑलिव ऑयल में लोग कुकिंग करते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ऑलिव ऑयल में आपको कुकिंग नहीं करना है। नेक्स्ट जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो कैनोला ऑयल है। ये जो ऑयल है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% रेस्टोरेंट में ये कैनोला ऑयल ही यूज़ होता है, और कैनोला ऑयल बहुत अनस्टेबल ऑयल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और फ्री रेडिकल क्रिएट करता है हम लोग के बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जो भी सैचुरेटेड फैट होता है उसका जो केमिकल बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है। तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो अपना सैचुरेटेड फैट में होता है उसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सैचुरेटेड फैट जैसे बटर हो गया, आपका घी हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, आपका प्लम ऑयल हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑयल है। इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसके जो केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, इसके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और इसको ब्रेक करना इजीली नहीं है। तो जब भी हम लोग इस ऑयल में, मतलब बटर में या घी में या कोकोनट ऑयल में या प्लम ऑयल में हम लोग इसको कुक करते हैं, कोई भी फूड को कुक करते हैं, तो इसका बॉन्ड ब्रेक होना ईजी नहीं है, ऑक्सीजन इसके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसमें आप कुकिंग ईजिली कर सकते हो और जिसके कारण
आपके बॉडी में फ्री रेडिकल या टॉक्सिक बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं होगा। अब हम लोग कुछ सेकेंड के लिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप सब फैट को कैसे यूज़ कर रहे हो। कोई भी अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो गया या मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें आप कुकिंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो सब अनस्टेबल ऑयल है और वो सब फ्री रेडिकल टॉक्सिक क्रिएट करता है, जो अंदर में जाके आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, टॉक्सिक रिएक्ट कर देता है, जिसके कारण जो आपका बॉडी में LDL होता है, जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हम लोगों को अच्छे से मालूम नहीं है कि कौन सा फैट कैसे हम लोगों को यूज़ करना, कौन सा ऑयल हम लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो कोलेस्ट्रॉल ये प्रॉब्लम हम लोग के लिए नहीं है। मतलब हम लोग जो मेन प्रॉब्लम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ही मेन प्रॉब्लम है, तो कैसे हम लोग के बॉडी में टॉक्सिक और फ्री रेडिकल क्रिएट होता है, ये चीज़ समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट हो गया, पॉली अनसेचुरेटेड फैट हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये सब में आपको कुकिंग नहीं करना है। आपको कुक करना है सेचुरेटेड फैट, जैसे आपका प्लम ऑयल हो गया, आप कोकोनट ऑयल हो गया। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कोकोनट ऑयल अपने फूड को कुक करने के लिए। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, आप यूज़ करो, आप बटर यूज़ करो, घी यूज़ करो। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब स्टेबल है, तो ये सब ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये सब बॉडी के अंदर आपका फ्री रेडिकल टॉक्सिक क्रिएट नहीं करता है, जिससे आपका LDL इंक्रीज हो। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड फैट सब है, ऐसा नहीं है कि पॉली अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो अच्छा फैट नहीं है, वो हेल्दी फैट नहीं है। वो हेल्दी है, बट उसको आप कुक करोगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। मोनो अनसेचुरेटेड फैट ऐसा नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी है, बट उसको आप कुक करोगे तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज़ समझ लो कि किस में कुकिंग करना है, किस में कुकिंग नहीं करना है, कौन सा फैट आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा फैट आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। मैं एक ऑयल यूज़ करता हूँ नाइट में सोने से पहले, मैं वो इंटेक करता हूँ, उसको बोलते हैं MCT ऑयल। तो ये MCT ऑयल क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में मैं बताऊँगा। आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए MCT ऑयल के बारे में, तो मुझे नीचे कमेंट करें कि MCT ऑयल के बारे में वीडियो बनाओ जल्दी से जल्दी, तो मैं बनाऊंगा। नहीं तो वैसे भी बनाने वाला हूँ MCT ऑयल के बारे में, मगर लेट से बनाऊंगा, तो क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है ऐसे टॉपिक पेंडिंग जो मुझे अब पहले वीडियो बनाना है, तो मैं उस टॉपिक पे पहले फोकस करूँगा, इसीलिए MCT ऑयल में के बारे में मैं बाद में बनाऊंगा। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो जो MCT ऑयल है, मैं रात को सोने से पहले वो MCT ऑयल में सिर्फ पीता हूँ। अब उसका प्रॉफिट क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, क्यों मैं वो MCT ऑयल यूज़ करता हूँ सिंपली, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा जब मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो बस आपको ये चीज़ समझना है, कौन सा फ़ैट अच्छा है, कौन सा फ़ैट कुकिंग के बाद अच्छा है, कौन सा फ़ैट कुकिंग के बाद ख़राब है। तो ये सब चीज़ आप समझ लोगे तो आप अपने बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल या टॉक्सिक क्रिएट नहीं करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हेल्दी रहें। बाय।